हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से मिथ हैं जो सच हैं या जो मिथ्स हमने जनरली देखे हैं उनके ऊपर हम एक डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है कि देर इज़ नो ऑर्गेनिक रीच, एवरीथिंग इज़ पेड नाउ। जो सबसे ज़्यादा हमें सुनने मिलता है कि आप हैशटैग्स यूज़ कर लीजिए, आप कोई भी दूसरे मेथड यूज़ कर लीजिए, आप ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए, कोई ऑर्गेनिक रीच नहीं होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सब कुछ पेड हो चुका है। तो इससे मैं एग्री करती हूँ एंड डिसएग्री भी करती हूँ। सो एग्री मैं इस चीज़ पर करती हूँ कि हाँ, कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर ऑर्गेनिक रीच का जो फैक्टर है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, पर वहाँ मतलब आप अगर यहाँ पे एक नोटिस करेंगे तो ये है कि जो नए प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर जो ऑर्गेनिक रीच होती है वो काफ़ी हाई होती है। एंड हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हमारा जो भी फोकस है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड रखने के बजाय हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में अपना टाइम और जो स्ट्रैटेजी है वो इन्वेस्ट करके ऐसा कोई न्यू प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑर्गेनिक रीच ज़्यादा हो वहाँ से हमारे ट्रैफिक को हम डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक रीच ज़रूर किसी किसी प्लेटफॉर्म पे कम होती जा रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कम हो गया या फिर सिर्फ पेड एडवर्टाइजमेंट्स ही आपको रन करने होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी है, लिंक्डइन ले लीजिए आप, ऐसे बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो कुछ प्लेटफॉर्म से आपको पेड एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा रन करना पड़ता है रीच के लिए, ट्रैफिक के लिए, बट आप उसको स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि आप अपने ट्रैफिक को कैसे आप जनरेट करना चाहते हैं, ऑर्गेनिकली अपने रीच को आप कैसे बढ़ाना चाहते हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके लिए बेटर होगा। सेकेंड पॉइंट इज डिजिटल मार्केटिंग इज़ हाईली टेक्निकल, आई हैव टू बी फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड टू लर्न दिस। इससे मैं डिसएग्री करती हूँ यहाँ पे, ये इसीलिए क्योंकि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप टेक्निकल या फिर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हो तभी आपको आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन नहीं भी हुई है तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा सकते हैं। ऐसा टेक्निकल बैकग्राउंड ही होना कोई कंपल्शन नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ये है कि अगर आप मान लीजिए SEO के लिए जा रहे हैं तो SEO के लिए इट इज़ अ वेरी ब्राउनी पॉइंट कि आपके एक ब्राउनी पॉइंट हो जाता है कि आपको CSS या HTML आता है या आपको JavaScript के बेसिक्स आते हैं, तो JavaScript का तो आप मान लीजिए कि एडवांस लेवल पे हो जाता है, पर अगर आपको HTML या CSS आता है तो वो एक बेसिक लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए SEO में काफ़ी हेल्प होता है। पर ऐसा कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल या कोडिंग आनी ही चाहिए डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। थर्ड पॉइंट इज डिजिटल मार्केटिंग इज़ ओनली फॉर लार्ज बिजनेसेस। सो ये यहाँ पे मैं डिसएग्री करूँगी क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो सिर्फ लार्ज बिजनेसेस उतना ही यूज़ कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे गूगल माई बिजनेस को आप देख लीजिए, वहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस को वो प्रमोट करता है, वहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस को भी वो हाईलाइट कराता है। फेसबुक कम्युनिटीज़ आप देख लीजिए, इंस्टाग्राम आप देख लीजिए, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप देख लीजिए, वो इक्वली जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, आप स्पेसिफिकली अगर आप इंस्टाग्राम को देख लीजिए आजकल में, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे स्मॉल स्केल बिजनेस जो बूम कर रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके अपनी रीच को बढ़ा रहे हैं, अपना जो बायर बेस है उसे वो इम्प्रूव कर रहे हैं, उसे वो एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी, ये जो मिथ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है कि वो सिर्फ लार्ज बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग हर स्केल का बिजनेस कर सकता है। ये जो मैंने प्लेटफॉर्म्स मेंशन किए वो इक्वल चांस देते हैं लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस को बूम करने के लिए या एक्सपांड करने के लिए अपना बिजनेस। सो डिजिटल मार्केटिंग एक काफ़ी अच्छा टूल है जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मिथ है हमारे पास वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग कैनॉट इंटीग्रेट रिजल्ट्स / इनसाइट्स फ्रॉम ऑफलाइन सेल्स। सो ये भी अगर आप देखेंगे तो हम बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हैं जो रिजल्ट्स होते हैं या जो इनसाइट्स होते हैं उनको। आप एक समझ लीजिए कि आपका जो ऑफलाइन बिजनेस है उसका जो CRM वगैरह है आप उससे डेटा फेच कर सकते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं कि कैसा वहाँ पे सेल आ रहा है, किस पे आ रहा है, कैसे डेमोग्राफिक्स वगैरह है, आप वहाँ से देख सकते हैं अपने ऑफलाइन बिजनेस से एंड उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपना जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें, या फिर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के डेटा को आप ऑफलाइन में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं कि क्या प्राइसिंग वगैरह कॉम्पिटिटिव चल रही है, किसके लिए आप क्या जो चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो आपको वहाँ पे फेवर कर रहा है, वो सेम चीज़ को अपने ऑफलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं जो रिजल्ट्स या इनसाइट्स आते हैं अपने ऑफलाइन सेल के। आप बिल्कुल उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप उनको दोनों डेटाज को मर्ज करके आप एनालाइज कर सकते हैं, अपने ऑफलाइन डेटा को आप फेच कर सकते हैं अपना जो ऑफलाइन CRM है, जो आपका CRM है उसके थ्रू, एंड आप चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा आपके पास आ रहा है, उसको एनालाइज करके आप अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं उसको।
सो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि एड ब्लॉकर्स आर एंडिंग डिजिटल मार्केटिंग गेम. सो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एग्री कर रही हूँ इस पॉइंट से कि हाँ थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है एड ब्लॉकर्स के वजह से, पर इसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग का पूरा स्कोप खत्म हो जाएगा ये कहीं भी सच नहीं है. क्यों? क्योंकि हाँ डिजिटल मार्केटिंग में जो भी एड ब्लॉकर्स की वजह से इशू आ रहा है वो मैं समझ सकती हूँ, जो दिक्कत आ रही है वो मैं समझ रही हूँ. पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, जो एड ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं वो अभी भी ऐसे लोग हैं जो सिस्टम या डेस्कटॉप में एड ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, क्रोम में जो एड ब्लॉकर है वो यूज़ कर लेते हैं. एंड जो भी अभी तक आप देखेंगे कि लोग हमारा जो भी फोकस होता है, जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑडियंस है हमारे पास, वो अभी भी फ़ोन में ब्राउज़ करती है, जहाँ पे जनरली वो लोग एड ब्लॉकर्स नहीं यूज़ करते हैं. ये तो पहली चीज़ हो गई. और दूसरी अगर आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि एड ब्लॉकर्स कौन है जो यूज़ करते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो एड ब्लॉकर्स के लिए जनरली ऑप्ट कर लेते हैं, तो वो लोग होते हैं जो एक ही टाइप का या अलग अलग इररिलेवेंट एड्स को देख देख कर वो तंग हो चुके होते हैं. वो एकदम उन्हें समझ नहीं आता कि ये एड्स उन्हें क्यों आ रहे हैं, या फिर मल्टीपल एड्स उन्हें थोड़े टाइम विद इन टाइम में उन्हें बहुत सारे एड्स दिखाए जाते हैं. तो अगर आप इररिलेवेंट, अगर आपको भी, अगर आप एज अपने खुद के पर्सपेक्टिव से देखिए कि आपको भी अगर इररिलेवेंट एड्स दिखाए जा रहे हैं जो आपसे कहीं भी रिलेटेड नहीं है, मान लीजिए कि आपको स्पेनिश लर्निंग के लिए जाना है पर आपको जो एड्स आते हैं वो सारे डिजिटल मार्केटिंग या डेटा एनालिसिस के आते हैं, ठीक है, डेटा एनालिस्ट के आपको एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं जो आपके लिए ज़रा भी रिलेवेंट नहीं है एंड आप उसमें ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप भी ऑप्ट जरूर करेंगे ना एड ब्लॉकर के लिए. तो ये जो एक पॉइंट है वो ध्यान रखने की ये है कि आप अगर आप किसी को भी एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं तो वो उससे रिलेवेंट होना चाहिए, वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अगर मेरे भी कोई एडवर्टाइजमेंट अगर मुझे दिखा रहा है, अगर बार बार, अगर मल्टीपल टाइम्स मुझे सेम ऐड आ रहा है जो मुझे नहीं पसंद या मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरे से कोई भी रिलेवेंसी है ही नहीं, तो मैं भी ज़रूर उसको इररिलेवेंट करके उसको ब्लॉक कर दूंगी ऐड को, करेक्ट. तो ये एक बात ध्यान रखने की ये है कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग का गेम कहीं भी नहीं खत्म हो रहा. ऐड ब्लॉकर्स की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है, ज़रूर आती है, यहाँ मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर रही आपसे, ज़रूर आती है थोड़ी बहुत दिक्कत, पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी अपना कोई कैंपेन रन करते हैं तो जो ऑडियंस है हमारी वो रिलेवेंट हम उनको दिखाएं, जो भी एड्स हैं हम उन्हें कुछ भी इररिलेवेंट ना दिखाएं एंड उन्हें यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम पास ऑन करें. सो एड ब्लॉकर्स के लिए मैं बस ये आपको बताना चाहूँगी कि आपको मेक श्योर करना है कि आप जिस भी ऑडियंस को अपना एड दिखा रहे हैं वो उसके लिए रिलेवेंट होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए. अगर आप अनॉय ना करें अपने जो भी ऑडियंस हैं उनको मल्टीपल टाइम्स उनको एड दिखा कर जो उनके रिलेवेंट भी ना हो. सो आपको ये एक चीज़ का ध्यान रखना है. एड ब्लॉकर्स के लिए एक और पॉइंट ये है कि वो अभी भी जो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं एड ब्लॉकर्स को वो सिस्टम या डेस्कटॉप यूज़र्स है एंड अभी भी जो हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस है वो मोबाइल यूज़र्स है. तो ये आप जो एडवांटेजेस आप उनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं. हाँ थोड़ी बहुत इश्यूज एड ब्लॉकर्स की वजह से आती है पर उसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग का गेम कहीं भी नहीं खत्म हो रहा है. अगर आपके पास भी कोई ऐसे क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, हमें ज़रूर बताएं आपके जो भी क्वेश्चंस है, हम उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे. थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर सच टिप्स.